दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई 5G फोन है और आप भी अपने जियो या फिर एयरटेल में 5G इनेबल करना चाहते हैं, उसमें 5G नहीं चल रहा है, 5G उसमें इनेबल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने फोन में 5G एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके बाद आपके फोन में भी 5G नेटवर्क चलने लगेगा। आप जियो में जियो अनलिमिटेड 5G अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं या फिर एयरटेल में भी आप 5G अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। चलिए हम चलते अपने वाली स्क्रीन पर, देन आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे आप एक्टिवेट करेंगे अपने फोन में 5G को, जिस प्रकार से आपके फोन में जियो 5G या फिर एयरटेल 5G चलेगा बहुत ही आसानी से। तो चलिए चलते हैं अपने वाली स्क्रीन पर, क्योंकि जब तक आप इस सेटिंग को इनेबल नहीं करेंगे तब तक आपके फोन में 5G नहीं चलेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो इन सेटिंग को इनेबल करना जरूरी है, तभी आपके फोन में 5G चलेगा। तो चलिए अपने चलते हैं अपने वाली स्क्रीन पर, देन आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इनेबल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, मात्र 1 मिनट के अंदर। तो चलिए चलते हैं अपने वाली स्क्रीन पर। आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। देन अभी हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि 5G इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सेटिंग पर चलना होगा। तो सेटिंग पर हम चले जाते हैं। देन सेटिंग पर आने के बाद आपको यहाँ पर कनेक्शन का एक ऑप्शन दिखेगा, आप में नेटवर्क एंड कनेक्शन का ऐसा भी ऑप्शन दिख सकता है। तो ऑप्शन के लिए उस पर क्लिक करेंगे। देन इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर देना है। देन उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेटवर्क मोड SIM1, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नेटवर्क मोड SIM1, यहाँ पर आपको बहुत सारे मोड देखने को मिलेंगे। जहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहले हम ऑलरेडी सेलेक्टेड किए हैं 5G LTE 3G 2G ऑटो कनेक्ट, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन अगर आपके फ़ोन में ओनली 5G होगा या फिर ऑटो होगा तो आपको वहाँ पर ऑटो कनेक्ट में, यहाँ पर 5G ऑटो कनेक्ट में सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर 5G ध्यान दे रहे हैं कि 5G LTE 3G 2G ऑटो कनेक्ट होना चाहिए, इसको सेलेक्ट कर देंगे। देन इस सेलेक्ट करने के बाद जैसे अगर आपके फ़ोन में कुछ ऐसे सेलेक्टेड होगा, मतलब LTE 3G 4G ऑटो कनेक्ट कुछ ऐसा होगा, तो आपको यहाँ पर 5G कनेक्ट सेलेक्ट करके देन इसको ओके कर देना है। इसके बाद आपका थोड़ा सा मतलब 1 सेकंड के लिए नेटवर्क रिफ्रेश होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जैसे हम यहाँ पर LTE करेंगे थोड़ा सा नेटवर्क रिफ्रेश होगा, देन फिर से आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको 5G में करेंगे तो थोड़ा सा नेटवर्क रिफ्रेश होगा, देन फिर से वैसा ही नेटवर्क आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको सबसे पहले आपको अपने जियो एप्लीकेशन पर चले जाना है। एयरटेल के लिए तो ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जियो के लिए ऐसा करना मतलब ज़रूरी हो सकता है। सिंपली हम जियो को यहाँ पर सर्च कर लेंगे। देन कई बार ऐसा होता है कि हमको वहाँ पर मतलब सर्च मतलब यहाँ पर एक्टिवेट करना पड़ता है फर्स्ट टाइम के लिए। हालांकि आप उस सेटिंग को इनेबल कर देंगे तो 90% चांसेस है कि आप में 5G चलने लगेगा। आप यहाँ पर कर लेंगे तो वह श्योर हो जाएगा कि आप 5G चलेगा ही आपके फ़ोन में। यहाँ पर आना है, थोड़ा सा जियो को हम इसको जियो एप्लीकेशन को स्क्रॉल करेंगे, ऊपर करेंगे, देन इसको लेकिन इस पर हम चले जाते हैं। देन अगर ऐसा नहीं मिलता है यहाँ पर ऑप्शन, कई बार ऐसा नहीं मिलता है ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर सर्च बार में 5G टाइप कर देना है। देन इसके बाद हमको ओके कर देना है ऑटोमेटिकली। यहाँ ढूंढ करके यहाँ पर आप देख पा रहे हो ट्रू 5G, यहाँ पर एक सेटिंग आ चुकी है, यहाँ पर कुछ ऐसी सेटिंग आ जाएगी, देन आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ऐसे इसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा यह लोडिंग लेने के बाद कुछ ऐसा आ गया हमारे पास, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देन यहाँ पर चेक 5G रेड लाइन्स करके ऐसा आ चुका है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा मतलब लोडिंग लेगा, देन कुछ इस तरह से आपके फ़ोन में मतलब यहाँ पर कुछ चेक मार्क देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर IV अपडेटेड पर क्लिक कर देना है। सॉरी, इससे पहले आपको अपना फ़ोन का अपडेट भी चेक कर लेना है कि अपडेटेड है या फिर नहीं। अपडेट चेक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर IV मतलब हमने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है कुछ, उसको सेलेक्ट कर देना है। देन यहाँ पर जो हैंडसेट 5G सेटिंग करके अभी यहाँ पर एरर दिख रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं 5G सर्विस एरिया में नहीं हूँ, यानी कि हमारे एरिया में भी 5G सर्विस अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है। अगर हम 5G सर्विस वाले एरिया में पहुँचेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली यह टिक हो जाएगा, देन हमारे फ़ोन में 5G मतलब यहाँ पर नेटवर्क आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोन में 5G सर्विस इनेबल कर सकते हैं, देन 5G अनलिमिटेड का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो
यही कुछ था। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपके काफ़ी हेल्प हुई होगी। आप अपने फ़ोन में 5G इनेबल करने में ज़रूर सक्षम रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।